नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज मंडल भीमरखेड़ा में कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रहते हुए कमलनाथ ने आयात शुल्क हटाकर भारत को काफी नुकसान पहुँचाया और इससे चाइना को काफी लाभ हुआ था, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी मंडल भीमरखेड़ा अध्यक्ष गोविंद प्रताप सिंह एवं जिला उपाध्यक्ष राजेश चौरसिया के नेतृत्व में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते हुए एसडीएम कार्यालय भीमरखेड़ा के सामने कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य पूजा देवी जी, प्रमोद गौतम, योगेंद्र सिंह ठाकुर, मिश्री चौरसिया, नंदू त्रिपाठी, श्रीकांत पटेल, जयपाल सिंह, आशीष चौरसिया आदि वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एमपी न्यूज कास्ट से संवाददाता प्रिया दुबे की रिपोर्ट। राज्य किया और उसके नुमाइंदे भारत के दुश्मन चीन को फायदा पहुंचाने के लिए जो कुकृत्य किया है, आज उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ये प्रतीक पुतला दहन कर रही है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई गोविंद से आग्रह करूंगा कि दो शब्द वो भी बोले। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी के समस्त सम्माननीय मंत्री एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय।